जो अफ़ज़ा शमाल इस्लाम की रोशनी में था बहुत डिटेल से बताया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अब वक्फ़ा है सवाल और जवाब का, इसके लिए मैक्सिमम हमने आधा घंटा रखा है, तो इसमें जितने सवाल आधे घंटे में हो जाएंगे तो वो फजलत शेख उनका जवाब देंगे, उसके बाद जो रह जाएंगे उसका जवाब बाद में दिया जाएगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी का हमने ख्याल रखना है। ये पहला सवाल है, किस्त पर घर के लिए बैंक से फिनांस अदा करना कैसा है? कोई चीज़ है जिसकी कीमत अगर फौरी अदा की जाए तो 1000 है, अगर इसको 12 महीना अकसात में जमा करे तो उसकी कीमत 1200 है और हर माह 100 रुपया किस्त है, वजाहत फरमाए। फरोख्त का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि सऊदी अरब के दारुल इफ्ता की तरफ से एक फतवा सादर हुआ है जिसमें उन्होंने किस्तों पर कुछ ख़रीदने को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी हैं कि किस्तों पर आप एक ऐसे इदारे, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी दुकान, एक ऐसी सुपरमार्केट से कुछ लेते हैं जिसका कारोबार सूदी नहीं बल्कि बिजनेस है, खालिस इस्लामी तर्ज का सामान बेचते हैं और कैश पर भी बेचते हैं, किस्तों पर भी बेचते हैं। सऊदी दारुल इफ्ता के जवाज के फतवा का ये माना नहीं है कि आप कहीं से भी किसी भी तरीक़ा से कुछ खरीद रहें। अगर किसी ने कोई चीज़ बैंकों से ली, बैंक के रास्ते से ली, वो बैंक जिसका सारे का सारा कारोबार सूदी है, उस जगह ये फतवा कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि उसका तो सारा काम ही सूदी है, वो तो बग़ैर सूद के कदम ही उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने बैंक से किस्तों पर लिया तो वो आपकी चीज़ जो है वो इस फतवे के ज़िम्मे में नहीं आती। अगर किसी ऐसी कंपनी, किसी ऐसे इदारे या किसी ऐसे शख्स से चीज़ खरीदते हैं जिसका कारोबार सूदी नहीं बल्कि कारोबार उसका हलाल है, बिल्कुल जायज़ तरीके से वो कारोबार करता है, उसने 1000 की चीज़ 12 किस्तों पर 100-100 रियाल देने के एवज़ आपसे 200 रियाल लिया है, तो उसके बारे में फतवा में ये बात मजकूर है। वो कहते हैं कि उसने अपने उस वक्त की कीमत आपको ली जो वक्त उसने आपको दिया, और ये फतवा भी मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखें कि ये फतवा मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है कि पूरी उम्मत इस्लामिया का इस पर इजमा हो गया। पाक व हिंद के बाज़ उलमा ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस फतवे का तआरुज़ किया, फतवे से तआरुज़ किया और कहा कि ये इस तरह सही नहीं है, बल्कि बेहतर यही है कि कैश और नकद इनकी कीमतों में फ़र्क न रखा जाए। उन्होंने इस फ़र्क के 100 रियाल या 200 रियाल जो बनते हैं, कैश की कीमत 1000 और किस्तों पर या इंस्टॉलमेंट पर 1200, वो कहते हैं कि ये 200 रियाल लेना उसका उसके लिए जायज़ नहीं है, लिहाजा बेहतर, अफजल और सबसे ज़्यादा एहतियाती जो शक्ल है वो यही है कि जब आपके पास पैसा हो तो ख़रीद लें और जब तक पैसा ना हो काम चलाएं। अगर इस किस्म की जिसमें किसी ना किसी तरफ से कोई फतवा आ जाता है कि ये जायज़ नहीं है, उससे बच जाएं तो उसी में बेहतरी है, लेकिन अगर कोई सऊदी दारुल इफ्ता की तमाम शर्तों को सामने रख कर सही तरीके से किसी से किस्तों पर कोई चीज़ ले लेता है मजबूरी के आलम में, तो इंशाल्लाह वो काबिले मुआख़ज़ा नहीं होगा। ज़कला खैर, ये दूसरा सवाल है, हाउ वी वुड स्पेंड बैंक इंटरेस्ट, क्या हम अपना बैंक का सूद जो है उसको किस तरह इन्वेस्ट करें? इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, बैंक में माल रखना हमारी मजबूरी है, वहाँ सूद छोड़ देना सही है या लेकर नहायत ही गरीब लोगों को दिया जा सकता है? ये औरतों की तरफ से कोई सवाल है तो वो भिजवा दें। जहाँ तक सूद या बैंक इंटरेस्ट के खर्च करने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में पहली और बुनियादी चीज़ तो ये है कि सूद लेना जायज़ नहीं, सूद लेना हराम है, बड़ी शिद्दत के साथ इसके बारे में फतवा है कि सूद लिया ही ना जाए।
और जैसा कि सही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है कि सूद जो है उसके 72-73 दर्जे हैं, सबसे कम तरीन दर्जे का गुनाह इतना है जितना अपनी माँ के साथ जना करने का गुनाह है। अब एक आदमी ने बैंक से सूद लिया और मान लिया कि उसने इस नीयत से लिया कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, घर में ले आया, कभी किसी वक्त उससे कुछ थोड़ा बहुत पसोपेश हो गया, तो जाहिर है कि अपने आप को मुलव्वस कर लेने वाली बात होगी। सबसे पहला सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये है कि बैंक से सूद उठाया ही ना जाए। उलमाए किराम में से एक जमात ने यही राय दी है कि आपने 50,000 रखा है, आप जब चाहें 50,000 लें, उसके ऊपर जो 5,000 पड़ा है वो आपका है नहीं, आपको उसके लेने का हक ही नहीं पहुँचता। पहली शक्ल ये है। और बाज़ अहल तकवा उलमा ने इसी को ही अपने लिए तरजीह दी है और इसी को इख्तियार किया है कि मजबूरी ये है, जैसा कि लिखा है कि मजबूरी है कि घर में पैसा नहीं रख सकते। घर में पैसा रखेंगे, आदमी आया घर में से दो चार लोगों को भी मार गया, पैसा भी ले गया, ऐसी शक्ल में एहतियात ये है कि पैसा बैंक में रखें, कोई हर्ज नहीं, बैंक में रखें। अगर करीब में कहीं कोई इस्लामी बैंक है तो उसमें रखें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर और करीन एहतियात शक्ल है। लेकिन हमारी एक मुश्किल है, हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम इस काम के लिए कि फलां बैंक इस्लामी है अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं, घर से निकलते ही जो पहले 10 कदम पर बैंक आ जाए उसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं कि निकलते दाखिल होते आसानी से हमें अपना काम चलता नज़र आएगा। और अगर आपको 10-20 कदम और आगे जाकर पता चल जाए कि वहाँ इस्लामिक बैंक है, वहाँ जाने के लिए हम तैयार नहीं होते, ये हमारी ईमानी कमज़ोरियाँ हैं। पहले तो ये कि इस्लामिक बैंक में रखें, दूसरा ये कि अगर बैंक में रखना है तो वो अकाउंट खुलवाएं जिसके आपके खाते में सूद आता ही नहीं, करंट अकाउंट जिसको कहा जाता है। और तीसरी शक्ल ये है कि मजबूरी है बैंक में रखना ही है, दूसरी मजबूरी ये है कि बैंक यही है, दूसरा कोई है नहीं, सूदी ही है। और तीसरी शक्ल ये कि आपने करंट भी नहीं खुलवाया हुआ बल्कि सेविंग अकाउंट है, अब इस बैंक से पैसा जो है वो आप निकाल लें। उलमा के दूसरे एक ग्रोह या जमात का ये फतवा है कि यहाँ से पैसा निकाल लें, अगर आप नहीं निकालेंगे वो किसी तखरीबकार तंजीम को, किसी दहशतगर्द तंजीम को या किसी भी ऐसी तंजीम को वो पैसा दे देंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करेगी। जैसे अभी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए ये मसला ख़ास तौर पर मौजूद है कि वहाँ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोज़ाना दंगा फसाद वगैरह मचाया हुआ होता है, बैंक वो पैसा किसी ऐसी तंजीम को दे देते हैं, वो पैसा जो मुसलमानों का है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ऐसी जगहों से उलमाए किराम ने फतवा दिया कि पैसा निकाल लें और उसके इस्तेमाल की अब फिर कई शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि आपने पैसा रखा हुआ था और किसी आदमी ने किसी मजबूरी में आकर कुछ पैसा लिया हुआ था या जहालत के ज़माने में, लाइल्मी के ज़माने में ले लिया था, वो पैसा अब वो अदा नहीं कर पा रहा, उस पर रोज़ाना सूद बढ़ता जा रहा है। किसी इस किस्म के बैंक के हाथों फंसे हुए आदमी का वो सूद अदा कर दे, गोया के प्लीद पैसा आया, प्लीद खाते में चला गया, हमारे एक मुसलमान भाई की जान छूट गई, नजस माल नजस रास्ते में निकल गया, सूद का पैसा आपके खाते से सूद के खाते में दोबारा बैंक में चला गया, एक मुसलमान की जान खुलासी हो गई, ये भी जायज़। इसी तरह दूसरी शक्ल ये है कि वो पैसा किसी ऐसे आदमी को दे दें जिस पर जान के लाले पड़ रहे हैं, जिसके लिए हराम खाना जायज़ हो चुका है, वाक़ियतन वो भूखों और फाकों से मर रहा, उस आदमी को ये पैसा दे दें, उसके लिए भी वो चूंकि जायज़ हो चुका या कम अज़ कम उसको इसके खाने का गुनाह नहीं होगा, जैसा कि कुरान ने फरमाया फला इस्मा अलैहि, उसको गुनाह नहीं होगा। और तीसरी शक्ल ये है कि ऐसा आदमी भी नहीं मिल रहा, तो एक शक्ल ये बनती है कि आप नालियाँ गलियाँ या पब्लिक लैट्रीन्स वगैरह कुछ अपने महल्ले में इलाके में बनवा दें या कहीं भी बनवा दें, ज़रूरी नहीं कि महल्ले में ही बनाएं, जहाँ कमी आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि लोग यहाँ बाज़ार वगैरह में आते हैं, उनको ज़रूरत पेश आती है, परेशानी होती है, ऐसी जगह पर वो पैसा खर्च कर दें। और सबसे बुनियादी शर्त है कि जब ये पैसा खर्च करें तो उसके पीछे आपकी नेकी और अजर व सवाब की कोई नीयत ना हो कि मुझे ये पैसा खर्च करने से नेकी, नेकी कहाँ से आएगी, वो तो हराम का पैसा है,
उससे तो आप अपनी गलुव खलासी जान छोड़ा रहे हैं, ये नेकी की नियत न रखें। और साथ ही ये एहतियात भी हो कि आज आपने यहाँ लेटरीन बना दी, कोई हैंड पंप लगवा दिया, कुछ ऐसा काम करवा दिया, उसकी मेंटेनेंस भी करवा दी, अब महल्ले वालों पे आप कहीं ये भी अपना रोब ना डालते रहें कि अगर किसी ने कुछ छोटा मोटा थोड़ी सी कोताही की कोशिश की तो उसको आप दबा दे रहे हैं कि भाई ये कैसा क्यों कर रहे हो ये, ताकि उसे ये एहसास हो कि ये साहब हैं जिन्होंने बनवाया हुआ है। इस किस्म का कोई रवैया इख्तियार करना फिर आपको गुनाह में मुब्तला कर देगा। अपने गले से इन मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस तरीक़ा से मुमकिन हो इस सूद की रकम को निकालें और उसको अपने घर में किसी भी तरह इस्तेमाल ना होने दें। ये दोनों एक भाई का सवाल है, बैंक में कुछ स्कीमों को शरीफा कमेटी से यानी शरी कमेटी से मंजूर शुदा कहा जाता है और कुछ मक्का मुकरमा और रियाज के उलमा के नाम से इस कमेटी में लिखे जाते हैं, मसलन संदूक अल अमाना और संदूक अल असाइल यानी साब और अल बिलाद, ये इस्लामी हैं क्योंकि इन्हें इस्लामी कहकर मुतारफ़ कराया जाता है। जहाँ तक इन मुख्तलिफ नामों का ज़िक्र है, अल अमाना, अल असाइल या कोई और भी इस तरह के नाम होंगे, तो इनकी डिटेल्स मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं है कि ये क्या हैं। लेकिन एक बात जो कायदे के तौर पर मैं अर्ज़ कर दूं वो ये है कि एक बैंक का पूरे का पूरा कारोबार सूदी है, उन्होंने एक मौलवी किराए का पकड़ा, उसे पैसे दिए और कहा कि हमें फतवा दे दो कि हमारे कस्टमर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, दूसरे मौलवियों ने हमारे कस्टमर भगाने शुरू कर दिए कि सूद है हराम है, आप हमें फतवा दे दें। हर ज़माने में इस किस्म के उलमाए सू मिलते रहे हैं, अगर उलमाए सू नहीं तो हर ज़माने में कमज़ोर ईमान मौलवी मिलते रहे हैं, निकाहों पे निकाह करवाने वाले मौजूद हैं, इस किस्म के फतवे देने वाले, हर किस्म की जमात का तावन करने वाले, और काफर मर जाए तो उसकी कुरान खानियाँ करने वाले, आपको किन उलमा का पता नहीं है? काफर मर गया है, उलमा जाके उसके लिए कुरान खानियाँ कर रहे हैं। हर ज़माने में हर किस्म के मौलवी किसी न किसी झांसे में किसी न किसी लालच में आके इस किस्म की कार्रवाइयाँ डालते वाले मिलते रहते हैं। उन्हीं में से अगर कोई आलिम किसी बैंक जिसके बारे में पूरी तौर पर उलमा का इत्तेफाक़ है कि ये सूदी कारोबार कर रहा है, एक मौलवी उठा दो उठे और उन्होंने फतवा दे दिया कि नहीं इसकी फ़लाँ स्कीम जो है वो जायज़ हलाल है, उस स्कीम का पैसा वो बैंक कहाँ लेके जाएगा? पाकिस्तान में एक अकाउंट शुरू हुआ था PLS बैंकों में, जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू करवाया और वो बेचारा उठा दिया गया। PLS का वो उन्होंने हाल किया कि बाद में उलमाए कराम ने कहा कि ये सिर्फ लोगों के सामने PLS लिखा हुआ है, पीछे जब जाता है तो वहाँ कोई तफरीक नहीं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। वही मामला इन बैंकों की इन चंद स्कीमों का भी है, पूरे का पूरा कारोबार सूदी है, किसी एक स्कीम के नाम से कि जो हमारे सूदी कारोबार के हवाले से बैंक में नहीं आ रहे, उन लोगों को खींचने के लिए किसी मौलवी का फतवा ले लें और इसको हलाल कर लें और अपने कस्टमर वापस कर लें। इस किस्म के फतवों से ये मजमूई तौर पर ये बैंक का खाता जो है वो हलाल नहीं होगा। कोशिश करें कि आपके सामने जो तमाम उलमा किराम के नज़दीक गैर सूदी बैंक हैं उनमें अपने अकाउंट खुलवाएँ, कम सूद मिल, कम मुनाफा मिल जाए, वहाँ तो सूद बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ मुनाफा कम मिल जाए, उसी में इंशाल्लाह खैर बरकत होगी और ज़्यादा सूदी कमाई से जो नहूसतें जो बुराइयाँ जो अयूब आते हैं घर में जो बेबरकतियाँ होती हैं उनसे इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। लिहाजा ये एक आद इतने बड़े बड़े सऊदी अरब के उलमा हैं, दारुल इफ्ता का फतवा आ जाए कि फ़लाँ बैंक की फ़लाँ ब्रांच या फ़लाँ स्कीम उसमें पैसा डालना जायज़ है, आप बिस्मिल्लाह कर लें, आपके सामने एक इदारा है। लेकिन एक आदमी उठता है जिसका कोई तारफ नहीं, और मैंने बाज़ पेपरों पे वो उलमा के नाम भी देखे हैं जो सऊदी अरब में जिन्हें कोई जानता नहीं, कहीं लिख देंगे कि ये फ़लाँ शहर का है फ़लाँ शहर का है। इस किस्म के खातों से बचने की कोशिश करें और जितना भी हो सके सिर्फ जायज़ और हलाल तरीक़ों को इख्तियार करने की कोशिश करें। जज़ाकअल्लाह खैर। ये एक दूसरा सवाल
ये दर्श के मतलब नहीं है। एक भाई ने सवाल किया है, क्या गुनाहगार मुसलमान जिसके गुनाह नेकियों से ज़्यादा हों इसको जहन्नम में डाला जाएगा और वो फिर जन्नत में जाएगा, या फिर उसको बगैर जहन्नम के अजाब के जन्नत में भेजा जाएगा? जन्नत और जहन्नम का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो ज़ाहिर है कि बनाए इसीलिए गए हैं कि जो नेकियाँ ज़्यादा करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक है अहले जहन्नम का जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाना, तो ये हकीकत है और कुतुब हदीस में इसके बारे में बाकायदा तज़किरा मौजूद है कि गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा देकर अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देगा, और जन्नत की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें और बहुत बड़े बड़े इलाके जो हैं वो उनको अलाट कर दिए जाएंगे। एक आदमी जिसका ज़िक्र हदीस में आता है कि उसे जहन्नम से निकाला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जन्नत के करीब होते होते उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। एक सवाल करेगा कि या अल्लाह मुझे इस दरख्त के साए में बैठने की इजाज़त दे दे, अल्लाह कहेगा कि इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, आखिरी सवाल है, यही सवाल है। फिर कहेगा कि अब मुझे ये जन्नत के दरवाज़े की बाहर की तरफ जो है वहाँ बैठने की इजाज़त दे दे, मैं सिर्फ़ अंदर से आने वाली खुशबू सूंघता रहूँगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने कहा था कि मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, फिर सवाल कर रहे हो। कहता है नहीं, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं होगा। अब थोड़ी देर के बाद जन्नत की खुशबू सूंघते सूंघते अब ज़ाहिर है कि मज़ा आने लगा कि ये अंदर तो बहुत मज़े होंगे, और फिर ये निकाला कहाँ से गया है? जहन्नम से। वहाँ के अजाबों को भुगत के आ रहा है। अब ये सवाल कर देता है, कहता है या अल्लाह इस जन्नत के दरवाजे की अंदर की तरफ नहीं बिठा देते? अल्लाह कहेगा कि तुम्हें अभी कहा, दूसरी मर्तबा बार बार, बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत अता फरमाएगा और कहेगा कि मेरे बंदे इस सारे इलाके जितनी तुम्हारे सामने ये जन्नत नज़र आ रही है सारी तेरी है। तो आदमी समझेगा कि शायद मुझे मजाक किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे फरमाएंगे कि दुनिया के किसी भी बादशाह की जो कोई ममलकत, वसी ममलकत हो सकती है, उससे 5 गुना सिर्फ तेरे लिए जन्नत का रकबा है। दुनिया के बादशाह की किसी भी हुकूमत से 5 गुना जन्नत तुम्हें, और ये आदमी जहन्नम से निकाला गया है। तो ये तसव्वुर ही नहीं बल्कि कुतुब हदीस में बाकायदा मौजूद है कि जहन्नम से सजा भुगत कर अल्लाह ताला अहले तौहीद को वहाँ से निकालेगा और वो बिल आखिर जन्नत में चले जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है उस आदमी का जो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ और शिरक की मौत, कुफर की हालत में ही उसको मौत आ गई, उस आदमी को खालिदन मुखल्लदन हमेशा जहन्नमी करार दिया गया है। अहले तौहीद जिसने खलूस दिल के साथ कलमा पढ़ लिया है वो कभी ना कभी सजाएं भुगत कर कितने साल कितना अरसा रहकर कभी ना कभी वो जन्नत में लाके डाल ही दिया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। ये एक लेडीज़ की तरफ से सवाल आया, अगर हम एजुकेशन के लिए 2 लाख लें, बैंक से 2 लाख लें, और वो 3 साल के बाद 3 लाख अदा करने का कहे, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? और से मिलता जुलता सवाल, सूद की रकम से अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी की जाए तो ये जायज़ है या नजायज़ है? पहले तो मेरा ख़्याल यही ले लेते हैं कि शादी एक शरी काम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे मशरू कबीर और मुबारक शुमार किया गया। आपने सूद के पैसे से उस बच्ची की शादी करवा दी, गोया कि उसकी शादी का आगाज़ ही आपने हराम के पैसे से कर दिया। अब इस शादी में क्या बरकतें हासिल होंगी उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सूद उस जगह खर्च करें जिसके, जैसे मैंने ज़िक्र कर दिया है कि वो अमाकिन, वो जगहें, वो मकामात उलमा इकराम ने मखसूस कर दिए हैं कि उनमें आप सूद खर्च कर सकते हैं। किसी की बच्ची को आपने सूद से शादी कर दी, बेबरकती सारी उम्र उसका पीछा करेगी। इसी तरह किसी के लिए आपने सूद के पैसे से वीज़ा निकाल कर भेज दिया। कुछ अर्सा पहले कुछ इस किस्म की बातें आईं कि चलें जी हम तो सूद इस्तेमाल नहीं करते, 7, 8, 10, 12 हज़ार रियाल का वीज़ा निकल रहा है, एक वीज़ा निकाल कर किसी गरीब को भेज देंगे, उस गरीब का यहाँ लाना क्या फ़र्ज़ है? पहली बात
क्या ये आपकी मजबूरी है कि उसको यहाँ लाएं? ना ये आपकी मजबूरी है ना उसका फ़र्ज है यहाँ आना, उसको आराम से हलाल पैसा कमा के मजदूरी करके खाने दें, ये अपने खाते में ये इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ न डालें। यही मामला शादी का है। शादी अगर हम इस्लामी तरीके से बच्ची की शादी करें तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, या पड़ती है? आपके सामने इस पूरी कायनात के सरदार की बेटियों की शादियां मौजूद हैं, वहां कोई ऐसा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं किया गया, ना दुल्हा को कार लेके दी गई, ना दुल्हा के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल में शादी का इंतज़ाम किया गया, ना दुल्हा के लिए पूरे घर का जहेज सामान के कुछ भी तो नहीं दिया गया। कुछ लोग कह देते हैं कि उस ज़माने में जो लोटा मसल्ला दिया था, आज हम उसी लोटे मसल्ले को इस अंदाज में दे रहे। यानी गलत लाइन पर चढ़ने के लिए हमें शैतान फौरन कोई ना कोई स्कीम सिखा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा के बारे में करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले थे, आपकी तरबियत परवरिश खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और उनका घर भी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसीलिए बसाया था। वो बहाने छोड़ें, इस्लामी तरीके से बच्चियों की शादियां करने के लिए हमें ये सूद का पैसा उस खाते में डालने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपने अपने दोस्त अहबाब के, अपने रिश्तेदारों के बच्चियों की शादियों के सिलसिला में उन्हें ये दावत दें कि वो इस्लामी तरीक़ा से शादियां करें। जहां तक ताल्लुक है एजुकेशन का, जिस एजुकेशन को हासिल करने के लिए सूद पर पैसा लेना पड़े, उस एजुकेशन को हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पैसा कहाँ लेना पड़ेगा? आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मुल्कों में इतने बड़े बड़े इस्लामी इदारे मौजूद हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में खाना देते हैं, चारपाई मुहैया करते हैं, बिस्तर देते हैं, और हर हफ्ते एक टिकिया साबुन की कपड़ा धोने के लिए देते हैं। बिजली कोई बिल नहीं, किसी किस्म का बिल नहीं। वहाँ अपने बच्चों को दाखिल कराएं, बच्चियों के लिए मदारस मौजूद हैं, बच्चों के लिए मदारस मौजूद हैं, और आज के दौर में उन मदारस में साथ ही असरी तालीम भी शुरू हो गई है। बच्चा मौलवी बन जाता है और साथ ही वो एमए भी होता है, बेटी मौलवी हो गई साथ ही वो बीए ग्रेजुएशन भी कर गई, और बेटी एमए भी हो गई कंप्यूटर भी चलाती है, बेटा मौलवी भी हो गया कंप्यूटर भी चलाता है। उस किस्म के इदारों में बच्चों को पढ़ाएँ, सारी तालीम फ्री है। अब ये तालीम आप दिलाएंगे, पहले दिन आपने 2 लाख रियाल या 2 लाख रुपया सूद पर लिया, और 2 साल के बाद आपको 3 लाख देना है। अंदाज़ा करें कि सूद की रकम ही कितनी बड़ी है। इस किस्म की तालीम की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये तालीम जो है अमूमन जो इस तरह के कर्ज लेकर आप दिलाएंगे, वो हमारे पाक व हिंद में को एजुकेशन मारूफ है। लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ रहे हैं और शर्मो हया वहाँ पर्दे उठे हुए होते हैं। किस तालीम की आप बात कर रहे हैं इतने बड़े बड़े कर्ज लेकर? अगर कहीं बाकायदा बापर्दा तरीक़ा से या गर्ल्स कॉलेजों में, गर्ल्स स्कूलों में तालीम दिलाने की तौफीक है तो वो दिलाइए, नहीं तो इस्लामी मदारस की तरफ रुख कीजिए। वो मदारस जहाँ आज भी खैर व बरकत है, जहाँ आज भी नूर बरसता है, और जहाँ से निकलने वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त व आबरू के साथ जी रहे हैं। अपने बच्चों को उस तरफ तवज्जो दिलाइए, ये सूद के साथ तालीम ना दिलाइए। जज़ाकल्लाह खैर। ये और एक सवाल है औरतों की तरफ से कि औरत अपने चेहरे या बाजू के बाल उखाड़ सकती है, और दूसरा सवाल कि आदमी अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा सकता है, ये जायज़ है या नहीं? मर्दों के लिए दाढ़ी को मेहंदी लगाना या दाढ़ी को रंग करना जायज़ है, साबित है, बल्कि रंग करना मुस्तहब है, सफ़ेद रखना सिर्फ जायज़ है। सफ़ेद रखना जायज़ है। अगर किसी को बुढ़ापा आ जाए, वो चाहे जवानी में आए या बुढ़ापे में जाके आए, वो अपने बालों को सफ़ेद रख सकता है, जायज़ है। लेकिन कुतुब हदीस से पता चल रहा है कि उसके रंग को बदलना मुस्तहब है, ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक काला रंग जो है उसको छोड़ना होगा, काले रंग को छोड़ दें, बाकी जितने भी रंग हैं, ब्राउन है, लाल है, और बेज है, ब्लू है, ब्राउन, जितने भी रंग हैं, जो भी रंग चाहें आप करें, लेकिन काला को छोड़ दें।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो के वालिद तशरीफ़ लाए। उन्होंने इस्लाम कबूल करना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका इस्लाम हमें कबूल है, इनको इनकी औरतों के पास ले जाएं, यानी बीवियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं उनके पास ले जाएं और उन्हें कहें कि इनके बढ़ापे का रंग बदल दें। वल यतजन्नब नस्वाद, सिर्फ काले रंग को आपने ख़ास कर दिया कि काले रंग से इज्तनाब करें। काले रंग को छोड़कर जितने भी रंग हैं, उसमें मेहंदी भी शामिल है, वो लगाई जाए तो सफ़ेद रंग छोड़ने से बेहतर है, लेकिन अगर कोई सफ़ेद ही रखना चाहता है तो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये और एक भाई का सवाल है, सऊदी अरब के बैंकों से जो कार मिलती है, जो कार लोन पर ली जाती है, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? दोनों एक जैसे ही सवाल हैं, मैं इसलिए उनको अच्छा ठीक है हाँ वो लग जा। अब पहली पर्ची में एक सवाल और भी था जो ख्वातीन के साथ ख़ास तौर पर ताल्लुक रखता है कि औरत अपने चेहरे के बाल उखाड़ सकती है या नहीं। तो इस सिलसिले में पहली बात ये है कि चेहरे और बाजू के, पहली चीज़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों पर लानत फरमाई है, उनमें से नामिसा मुतनमिसा, वाशरा मुस्तौशरा, वासिला और मुस्तौसिला, ये छह औरतें हैं। वासिला विग लगाने वाली और मुस्तौसिला विग लगवाने वाली, और वाशरा अपने दांतों में सुराख करवाने वाली हुसन के लिए, और मुस्तौशरा करने वाली और करवाने वाली, और इन्हीं में से एक है जो अपने अपने चेहरे के बाल, ख़ास तौर पर ये बहुओं के बाल जो हैं, नामिसा और मुतनमिसा, बाल उखाड़ने वाली और बाल उखड़वाने वाली, इन पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अब बाल उखाड़ने वाली कौन है? वो हमारे पास बाकायदा दुकानें बनी हुई हैं, लेडीज़ सैलून काम कर रहे हैं और उनको ब्यूटी पार्लर का नाम दिया गया है। वो तो खैर शर्म आती है बात करते हुए, वो तो औरत के सारे जिस्म से बाल उखाड़ रही हैं, ये बात मारूफ है, केस्टों में और हर जगह अखबारात रसाइल में आ चुकी हैं कि औरतें पूरी तरह उरियां होकर वहाँ उनके सामने पड़ी होती हैं और वो उनको जैसा कि कोई गैर इंसानी मखलूक है जिसको साफ़ किया जा रहा है। ये तो शर्म हया से बहुत ही गिरी हुई बातें जो हरकतें शुरू हो चुकी हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, अगर कोई सिर्फ अपनी बहुओं के बाल भी निकालती है तो ये भी उसी खाते में आ जाएगी, निकालना निकलवाना दोनों मना है, नाजायज़ हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि चेहरे के बाल हैं, एक औरत है वो बालिग हुई या अभी बलूग को पहुँचने लगी, उसके थोड़ी पे बाल उगना शुरू हो गए, दाढ़ी निकलना शुरू हो गई, इस औरत को चूँकि ये बाल एबनॉर्मल शुमार होंगे, ये औरत के चेहरे पे बाल होना ये मर्दों की निशानी है, औरत के लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा इस किस्म के अगर कोई बाल आ जाए तो उनको औरत निकाल सकती है, जायज़ है। दाढ़ी निकाल दे, मूंछ निकाल दे, लेकिन ये तो बाल होंगे, मर्द के भी हैं औरत के भी हैं, ये नॉर्मल नहीं है, इनको किसी दिन बारीक किया हुआ है, किसी दिन मोटा किया हुआ है, और कई हैं कि वो बिल्कुल इसको निकाल देती हैं, आज ज़रा मोटे रंग का कलम है, कल छोटे रंग का कलम है, परसों ब्राउन सूट पहना हुआ है, आज ब्लू है, जिस रंग का सूट उसी रंग की बवें, ये आईब्रोज जो हैं ये अंदाज़ शरीयत इस्लामिया में कतन नाजायज है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि बाल जहाँ नहीं होने चाहिए थे, चेहरा है औरत का उस पर बाल नहीं होने चाहिए, अगर वो निकाल लेती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो जो दाढ़ी के तौर पर निकल आए, अगर वो चाहे कि कोई उस पर रुई तक और लुई तक ना रहे, इस तरह बिल्कुल आलू की तरह साफ़ करके छील देना, ये मगरब से आया है, मुसलमान औरतों में ये चीज़ें नहीं पाई जाया करती थीं, और उसी से अब आहिस्ता आहिस्ता बाजू और टांगें और सारे जिस्म को उन्होंने साफ़ करवाना शुरू कर दिया है, ये मुसलमान औरतों को जेबा नहीं देता। और ये रोज़ चेहरे पर ब्लेड चलाना कैसा है? और ये रोज़ चेहरे पर ब्लेड चलाना अगर औरतों की तरफ से है तो भी जायज़ नहीं है, और अगर मर्दों की तरफ से है तो ये तो इंतहाई ताज्जुब की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ओ फुल्लुहा, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, या अगर कहें इसका तर्जमा, ओ फुल्लुहा के दाढ़ियों को माफ़ कर दो,
तो इस आदमी ने दाढ़ी को क्या माफ़ किया जो रोज़ाना ब्लेड चलाता है, रोज़ाना उस तरह चलाता है, रोज़ाना उसको काटता है, ये दाढ़ी को माफ़ कर रहा है या दाढ़ी पर रोज़ाना सुबह उठकर जुल्म कर रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ियाँ रखने का हुक्म दिया और तमाम अंबिया किराम की दाढ़ियाँ थीं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के वाक़या में कुरान करीम के अंदर मौजूद है। हज़रत हारून कहते हैं ला ता खुद बिलहियती, ऐ मेरे भाई मेरी दाढ़ी को ना पकड़ो। कुरान करीम ने बताया कि पहले अंबिया की भी दाढ़ियाँ थीं, ये सुन्नत रसूल ही नहीं बल्कि सुन्नत अंबिया हैं। कोशिश करें कि दाढ़ियाँ रखें और रोज़ाना उन पर ब्लेड ना चलाया करें, ब्लेड ही नहीं बल्कि अगर कहें कि रोज़ाना उसको कैंची लेकर भी ना उसको काटते रहा करें तो भी ये नामुनासिब नहीं होगा। कम अज़ कम एक तो यह है उफ़ुल्हा, दूसरा ये है कि कम अज़ कम एक हद मुकर्रर है जो मौलवियों ने अपने लिए गुंजाइश निकाली, उसके लिए दलाइल भी उन्होंने जमा कर लिए और कुछ ना कुछ कर लिया, वो हद कितनी है, हद मालूम है या नहीं? वो हद है कि आपकी थोड़ी से नीचे कम अज़ कम ये हाथ में मुट्ठी अपनी दाढ़ी की भर लें, जो मुट्ठी के नीचे बाल आएँ अगर काटें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इजाज़त है। और हमारे यहाँ एक इंच की दाढ़ी, डेढ़ इंच की दाढ़ी और हाफ इंच की दाढ़ी, ये बहुत सारे डिज़ाइन निकले हुए हैं, ये सारे फैशन हैं, ये डिज़ाइन हैं। और दाढ़ी तब होगी जब वो एक मुट्ठी तक कम अज़ कम होगी, इसके नीचे जो है वो सारे डिज़ाइन हैं, उनको दाढ़ी का नाम दें या जो नाम आप देते रहें। बाज़ लोगों से कोताही हुई, गलती हुई, उन्होंने उसे दाढ़ी का नाम दे दिया, लेकिन दाढ़ी तब होगी जब कम अज़ कम एक मुट्ठी होगी, सुन्नत या सहाबा इकराम के अमल तक तब बात पहुँचेगी। ये मौजूदा ज़माना में माल को किस तरह बिला सूदी इन्वेस्ट किया जाए जबकि इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद ना हो? पहली बात ये है कि अल्टरनेटिव बहुत सारे मौजूद हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम तलाश ही नहीं करते, कोशिश नहीं करते। पहली चीज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस भी किया, आप भी बिज़नेस कीजिए। आप बिज़नेस नहीं कर सकते, दूसरा अल्टरनेट ये मौजूद है कि आपका पैसा दूसरे की मेहनत जिसे मुजारबत कहा गया है उसमें दीजिए। आपने कहा कि पैसा मेरा मेहनत दूसरे की, ये बैंक ही कर सकता है, नहीं, ये काम बैंक के बाहर भी होते हैं, चल रहे हैं, लोग करते हैं। अपने किसी भरोसे के आदमी को पैसा दें, वो इसको बिज़नेस में लगाए, ये भी इन्वेस्टमेंट है। और इस्लामी बैंक को तलाश करने के लिए अगर थोड़ा सा सफ़र करके इधर उधर जाना पड़े, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनी को तलाश करके थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़े, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, अल्टरनेट मौजूद हैं आपके पास, ऐसे मकामात, ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि जिनमें आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सूदी बैंक ही हो, सूदी बैंकों के अलावा गैर सूदी बैंक, गैर सूदी कंपनियां और कितने ही नेक लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में मौजूद हैं जो आपका पैसा लेंगे और जितना उस पर आपका मुनाफा जायज़ तरीके से बनेगा वो आपके देंगे, और नहीं बनेगा तो आपसे माजरत भी करेंगे, वो लोग भी मौजूद हैं। लिहाजा ये नहीं कि सिर्फ़ सूद बैंकों से ही लेंगे या सिर्फ यही एक ज़रिया रह गया है पैसे को इन्वेस्ट करने का, पैसे को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ज़रिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को सही इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक और सवाल है, बिला सूदी बैंककारी की बातें सभी लोग करते हैं मगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसकी कोई तंजीम है कि नहीं जो बिला सूदी